अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, क्या ऐसा संभव है कि आपकी कट ऑफ 40-45 से घटकर फिर से 60-65 हो जाए? घटकर कहें या बढ़कर कहें दोस्तों? देखिए अभी तो जीता 40-45 है, तो इसलिए बड़ा आपका 40-45 ही हुआ, न कि 60-65। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बच्चों के मन में उठ रहा है, जिन बच्चों की जीत हुई है वो बच्चे काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या सर आप ये कटा फिर से चेंज हो सकती है, फिर से 60-65 जीत सकता है, क्या पॉसिबल है इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में? तो दोस्तों आज जानेंगे कि अब क्या फिर से 60-65 की जीत होगी या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आपकी कटा 40-45 हुई कैसे, सरकार आपके साथ थी। देखिए सबसे पहला विकल्प कि सरकार तो आपके साथ थी, तो सरकार हारी कैसे, हार का मुख्य वजह क्या रही, क्योंकि आप हारते हैं तो उसमें स्ट्रेटजी बनती है, डिस्कस होता है कि आपने हारे क्यों आके। देखिए आपके पास या तो जो एविडेंस सबूत जिसको भी बोलते हैं, जो आपको अपना पक्ष रखना था योग्यता को पैमाना मानकर, आपने या तो उसको सही से रखा नहीं इसलिए आप हारे होंगे। दोस्तों देखिए कोई भी हारता तो कुछ ना कुछ पैमाना होता है, ऐसा कोई हारता नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों इसमें इस भर्ती में ये थी या इस केस में कि सभी को अधिकांश को ये लग रहा था कि इसमें जीत 60-65 की ही होने वाली है, लेकिन हुआ क्या, उसके बिल्कुल विपरीत डिसीजन आया और जीत 40-45 हुई। तो क्या एक भी प्रतिशत उम्मीद है दोस्तों कि अब आपकी कट ऑफ 60-65 हो सकती है या अब 40-45 पर आपकी भर्ती संपन्न करा दी जाएगी? तो दोस्तों इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, अब क्या क्या संभावना है, क्या कोई बीच का रास्ता तो नहीं आएगा और क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जब आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था आपका शिक्षक भर्ती के संबंध में, तो उस नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का कटाव का जिक्र नहीं था, ठीक है दोस्तों। वो नोटिफिकेशन में किसी भी प्रकार का कटाव का जिक्र नहीं था, तो उसके हिसाब से ना तो 60-65 कटाव हो सकती है ना ही 40-45। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये 40-45 कैसे हो गई। एक रूल है कि अगर एक बार खेल शुरू हो जाता है तो उसके बीच में कोई भी नियम बदले नहीं जा सकते। खेल शुरू होने के बाद दोस्तों किसी भी प्रकार का नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो क्या अभी खेल शुरू हो चुका है या नहीं? तो दोस्तों अगर खेल शुरू हो चुका है तो हम उसमें कटाव चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों उसके बाद हम मानते चलिए हम गलत हो गए, 60-65 गलत था, लेकिन 40-45 कटाव दोस्तों फिर किस हिसाब से सही है, ठीक है। अगर गेम शुरू हो चुका है तो 60-65 गलत, तो 40-45 भी। लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर ये था कि जो आपकी 40-45 कटाव रखी गई है वो पिछली भर्ती भी आपकी ऐसी ही थी, तो उसको आधार मानकर कि उसमें 40-45 कटाव थी, तो इस बार भी 40-45 कटाव रख दी जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा मित्रों की जीत नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें जीत 40-45 को ही है। अगर पिछली बार कटाव आपकी 30-33 होती तो आपकी कटाव 30-33 आती, या 50-55 कटाव होती दोस्तों तो 50-55 ही कटाव आता। इसमें जीत किसी की नहीं हुई है। अगर आप कहेंगे इसमें कोई जीता है तो वो दोस्तों गलत होगा फिलहाल। तो अब बात रही दोस्तों कि क्या कटाव, अब क्या प्रोसेस होगा कि 40-45 को बदल कर 60-65 किया जाएगा, यह हो सकता है या नहीं? देखिए इसमें सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्तों जो ये मामला है वो कोर्ट से आया, लखनऊ हाई कोर्ट से, ठीक है। तो लखनऊ जो कोर्ट से दोस्तों मामला है, इसको बदला जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब सरकार के पास सिर्फ दो ऑप्शन है। पहला तो ऑप्शन आपको पता चल ही चुका होगा दोस्तों, वीडियो में हमने आपको पहले बताया था कि अब आपकी सरकार डबल बेंच जाने को तैयार हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों डबल बेंच जाएंगे, क्या डबल बेंच में हम फिर से जीतेंगे, ये बड़ा प्रश्न होगा। अगर हारेंगे तो इसमें हार का कारण कौन था, क्या सरकारी वकील अपना केस सही से प्रस्तुत नहीं कर पाए, क्योंकि आपके साथ तो पूरी सरकार गवर्नमेंट खड़ी थी तो आप हारे क्यों? अगर आपके पास 7-6 सबसे अच्छे मौजूद थे, मतलब आपके पास 7-6 हैं सारे कि हाँ आप सही हैं 60-65, तो आप हारे क्यों दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात होगी। अगर आपने योग्यता की बात की तो वो योग्यता का पैमाना वहाँ पर प्रेस क्यों नहीं कर पाए दोस्तों? अगर योग्यता की सही एक्सप्लेनेशन देते तो शायद कुछ बात बनती, लेकिन दोस्तों आप एक ही याद रखिए, जो योग्यता का पैमाना माना जा रहा है उसमें ये सिर्फ कहना कि आपके 60-65 कटाव की जो 60-65 कटाव लगाएंगे तभी योग्य टीचर बनेंगे, तो ये पूरी तरीके से गलत था। इसलिए आप हारने की सबसे बड़ी वजह यही थी दोस्तों, क्योंकि आपने योग्यता काफी जगह सिद्ध कर चुके हैं, ये कोई लास्ट बार या पहली बार सिद्ध नहीं करना था। इससे पहले दोस्तों आपने
बीटीसी में किया होगा, इंटर हाई स्कूल में हर बार पास हुए, यूपी टेट पास हो चुके हैं, इतनी बार अपनी योग्यता भी दिखा चुके हैं, तो अब क्या बार बार योग्यता दिखाना दोस्तों। तो ये वजह थी दोस्तों आपके हारने की, क्योंकि ये सब छोटी छोटी वजह मिलकर दोस्तों एक बड़ी वजह बनी जिसमें आपको आसानी से हार मिल चुकी है। अब लेकिन दोस्तों अगर इस बार डबल बेंच में सही साथी के साथ, सही रणनीति के साथ अगर चुनाव ये जाते हैं तो उम्मीद होगी दोस्तों कि एक बीच का रास्ता है। लेकिन अब ये सोचे दोस्तों कि आपके 40-45 से सीधे इस कट ऑफ से लेकर सीधे दोस्तों आप 60-65 पर पहुंचेंगे तो वो लगभग असंभव है। यहाँ से दोस्तों लगभग असंभव है, आप लोग इसको समझ लीजिए। अब आपका जीतना इतना आसान नहीं रहेगा जितना पहले था। अब पहले आप जीते हुए थे, सरकार आपके साथ थी तो आपके पास जीत अच्छी थी, लेकिन अब तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको एक अध्यादेश लाना होगा जिसमें ये बताना होगा कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को 40 और 45 पर संपन्न कराएंगे। तो क्या सरकार ये अध्यादेश लाएगी दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर ये अध्यादेश आता है तो कितने दिनों में भर्ती प्रक्रिया संपन्न करा ली जाएगी। देखिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अगर सरकार के द्वारा, ठीक है, सरकार के द्वारा अगर अध्यादेश लाया जाता है तो उस अध्यादेश में लिखा इस बार ये होगा जो पिछली बार लिखा था 40, 60 और 65 पर आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी, लेकिन इस बार ये लिखा होगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया 40 और 45 पर होगी। लेकिन इसमें अभी समय लगेगा, तो क्योंकि अभी आपके पास डबल बेंच का ऑप्शन है, डबल बेंच में अगर आप जीतते हैं तो आप लोग डेफिनेटली दोस्तों आराम से इस केस में मजबूती के साथ फिर से लड़ सकेंगे। और अगर आप डबल बेंच में जीतते, मान लेते डबल बेंच में सरकार की जीत होती है और आपकी कट ऑफ 60-65 हो जाती है, तो उसके बाद क्या नौकरी मिल जाएगी सभी को। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन आएगा जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, तो दोस्तों वहां पर भी एक लंबी प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो वहां पर फाइनल होगा। दोस्तों देखिए अभी दोनों लोग 50-50 पर हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार हार चुकी है या शिक्षा मित्र जीत चुके हैं। देखिए क्योंकि अभी आपके पास दो ऑप्शन है, जो डबल बेंच से जीतेगा समझ लीजिए जीत उसी की होगी, क्योंकि डबल बेंच के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में ही फाइनल डिसीजन आएगा कि आखिर फैसला क्या होगा और किस पक्ष से नौकरी मिलेगी। अगर यही कट ऑफ रहती 240 और 45, तो हमने आपको बताया कि काफी बच्चे बाहर हो जाएंगे 40 और 45 कट ऑफ से, कुछ ही बच्चे बचने वाले हैं, तो दोस्तों काफी मुश्किल हो जाएगा आप लोग को इस भर्ती प्रक्रिया में टक्कर देना शिक्षा मित्रों को। स्पेशली देखिए शिक्षा मित्रों को तो नौकरी मिल जाएगी, और जो बाद में मानते हैं कि 29,000 सीट्स बचेंगे, अगर 40,000 शिक्षा मित्र पास है तो 29,000 सीट्स में दोस्तों लगभग 2.5 लाख बी.ed के छात्र और 50,000 बी.टी.सी के बच्चे, ठीक है दोस्तों, या अधिक, या जो बच्चे बच रहे हैं वो बी.ed के ही होंगे क्योंकि बी.ed के बच्चों की संख्या काफी अधिक है। तो इतने बच्चे मिलकर सिर्फ 29,000 सीट पर फाइट करेंगे तो लगभग एक सीट का रेशियो 10 का बन जाएगा दोस्तों, हर एक 10वें व्यक्ति को नौकरी मिलेगी जो अभी काफी कम थी दोस्तों। तो अब आपकी कंपटीशन काफी अच्छे लेवल का होगा दोस्तों, अब जिन बच्चों के गुणांक अच्छे हैं वो आसानी से नौकरी पाएंगे, उनको कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी, ना तो पहले थी ना तो आज है। लेकिन जिन बच्चों के नंबर 65, 60 ये सब आ रहे हैं तो उनको ध्यान देने वाली बात है, जिनका गुणांक 40-45 के बीच, 40-45 से ज्यादा है, जैसे शिक्षा मित्र हैं तो उनको 25 अंक का भारांक है, लेकिन जिनका गुणांक 60 से लेकर 70 के बीच में है, 60 से लेकर 70 के बीच में, ठीक है दोस्तों, तो उनको अब विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अब उनको नौकरी पाना मुश्किल होगा। और एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग अपने 75 के 75 जिला भरना मत भूलिएगा, अगर इसी में भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है तो आपको हार नहीं मानना है और 75 के 75 जिला भरना है, तो शायद आपकी एक उम्मीद बने किसी न किसी जिला से आपकी नौकरी लग सकती है, क्योंकि अभी एक उम्मीद बाकी है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अभी आपके पास डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, काफी बच्चे परेशान हो गए, टेंशन हो गए, तो दोस्तों काफी बच्चों ने कहा सर हमने 2 दिन से खाना नहीं खाया, हमने ये नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। देखिए दोस्तों अभी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप लखनऊ हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद अभी लंबा सफर है अभी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कोर्ट ने 3 महीने का आदेश दिया है रिजल्ट देने के लिए। अगर हमें लगता है कि अगर 60 और 65 के पक्ष में फैसला आता तो हो सकता था रिजल्ट भी जल्दी आता और ज्वाइनिंग भी जल्दी शुरू कर दी जाती, लेकिन इस बार फैसला दोस्तों 40-45 के पक्ष में आया और आपके जो रिजल्ट की बात हो रही है वो काफ़ी दिनों बाद हो रही दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि
रिजल्ट के समय में इतनी लंबा टाइम क्यों लिया कोर्ट ने, 3 महीने का समय बहुत ज़्यादा होता है। हाँ ये बात सही है कि अभी आपकी आचार संहिता लागू है तो आचार संहिता के दौरान रिजल्ट जारी तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये समय भी दोस्तों काफ़ी लंबा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को न्याय मिलेगा, और जो बच्चे चाहते थे कि एक बीच की कट ऑफ आए, तो दोस्तों अब आपके पास पूरी तरीके से स्वतंत्र है, आप लोग बीच की कट ऑफ के लिए मांग करिएगा, और हो सकता है कि आपकी नई कट ऑफ 55-60 बनाई जा सकती है, नहीं तो आपकी फाइनल कट ऑफ 40-45 पर ही आपको भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 40-45 तो है ही है। अगर आप डबल बेंच में जाते हैं तो दोस्तों आपके पास ये भी रहेंगे ना, आप किस आधार पर 60% कट ऑफ चाहते हैं आपको वो बताना भी पड़ेगा, या तो 55-60 दोस्तों ये आपकी यूपीटेट की कट ऑफ थी, तो उसके आधार पर अगर आप कट ऑफ लगाएंगे तो शायद एक उम्मीद बने, या आप सीधे बोलेंगे 60 और 65, दोस्तों वो कट ऑफ कहाँ की है, कैसे आई है, तो उसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो कोई भी कट ऑफ दोस्तों ऐसे नहीं लागू होती जो 40-45 पिछली भर्ती के अनुसार ली गई है, तो इस बार भी कुछ नई कट ऑफ आएगी तो कहाँ से आएगी वो समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों और भी अपडेट्स आती रहेंगी, तो हमने आज बात की कि आपकी क्या कट ऑफ 40-45 से फिर से 60-65 हो सकती है, तो उसका आंसर है 50-50 ये दोस्तों कि अगर आप अपना पक्ष अच्छे से पेश नहीं कर पाए तो आप फिर से हारेंगे, जैसा कि आपने पिछली बार हारे थे, अगर आपने इस बार अपने केस को अच्छे से पेश कर की तो आप जीतेंगे, और 40-45 की तो जीत हो चुकी है दोस्तों, तो उनके हारने की संभावना अब बहुत ही कम है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पास हो चुके हैं। आपको एक चीज़ और बता दें वीडियो के अंत में, अब 2.5 लाख से अधिक बच्चे सिर्फ इस कट ऑफ के चक्कर में पास हो गए हैं, ठीक है, तो इतने आपको पता है कि 2.5 लाख बच्चे शिक्षा मित्र तो है नहीं यूपी में, 2.5 लाख शिक्षा मित्र, तो इसमें आम BTC के बच्चे भी हैं और BED के भी बच्चे हैं दोस्तों, तो आप ये लड़ाई मत लड़ाई बनाइएगा कि BTC BED वर्सेस शिक्षा मित्र, क्योंकि इसमें जो बच्चे 2.5 लाख पास हुए हैं उसमें BTC प्लस BED दोनों के हैं, तो एक बीच का रास्ता आएगा जिससे दोनों बच्चों को फायदा होगा। फिर मिलेंगे और भी अपडेट के साथ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट करिएगा, उसका जवाब जल्द से जल्द दिया जाएगा, ख्याल रखिए।